आई एम नूरुल हुदा, मिशन प्रेरणा साथी, ई पाठशाला। मैं प्रेरणा साथी हूँ। ये हमारे फोर्थ क्लास के बच्चों के लिए क्विज है। हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह, फर्स्ट नंबर पे है राष्ट्रीय फूल, ये हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल। टू नंबर पे है राष्ट्रीय पशु, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। थ्री नंबर पे है राष्ट्रीय फूल, हमारा राष्ट्रीय फूल राष्ट्रीय फल, हमारा राष्ट्रीय फल आम है। फोर नंबर पे राष्ट्रीय पक्षी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। फाइव नंबर पे है राष्ट्रीय पेड़, हमारा राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। सिक्स नंबर पे है राष्ट्रीय चिन्ह, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय चिन्ह ये सेवन नंबर पे है भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है, लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। एट नंबर पे आता है राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। ये नाइन्थ नंबर पे आता है, नाइन्थ पे राष्ट्रीय भाषा, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ये टेन नंबर पे आता है राष्ट्रीय गीत, हमारा राष्ट्रीय गीत जन गण मन है। हमारे देश का क्या नाम है, ये वन नंबर पे आता है भारत, टू पे पाकिस्तान, थ्री पे आता है बांग्लादेश। तो ये वन नंबर वाला राइट है, ये यहाँ आएगा, इसका आंसर है भारत। ये हम किस राज्य में रहते हैं, फर्स्ट नंबर पे हिमाचल प्रदेश, टू नंबर पे उत्तराखंड, थ्री पे उत्तर प्रदेश। तो ये थ्री वाला राइट है, ये आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। ये है हमारे देश की राजधानी का नाम क्या है, फर्स्ट नंबर पे लखनऊ, टू पे दिल्ली, थ्री पे है राजस्थान। तो ये हमारा आंसर आएगा फर्स्ट सेकंड वाला दिल्ली। हम किस जिले में रहते हैं, फर्स्ट नंबर पे है बरेली, टू पे है शाहजहांपुर, थ्री पे है मुरादाबाद। तो ये फर्स्ट नंबर वाला राइट है, तो ये यहाँ पे आंसर आएगा बरेली, हम बरेली जिले में रहते हैं। थैंक यू। आई एम प्रेरणा साथी नूरुल हुदा। लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हम बच्चों को घर पे ही शिक्षा प्राप्त करा रहे हैं। ये वर्कशीट है, ये हमें भावना मैम ने दी थी बच्चों से कराने के लिए, ये बच्चों ने की है। मेरे पास बच्चे सिक्स बच्चे पढ़ते हैं, कक्षा फर्स्ट से सिक्स क्लास तक के। ये देखो कितने अच्छे से की है बच्चों ने, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। देखिए ये कितने अच्छे तरीके से की है, आप देख सकते हैं इसे। मैं अपनी मैम की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इस मिशन से जोड़ा है। देखिए कितनी अच्छे से की है, थैंक यू। आज हम जागरूकता दिवस के बारे में बताएंगे अपने स्टूडेंट को। जागरूकता दिवस जैसे पूरे जुलाई का महीना है तो जागरूकता दिवस है,
तो बरसात का महीना है ना, तो बरसात में बारिश होती है तो मच्छर बहुत होते हैं, फिर तो मच्छर हमें काटते हैं तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सुषमा तुम्हें पता है कौन कौन सी बीमारियां होती हैं बताओ? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार और सारी बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं। और तुम जो मतलब बीमारियां सोचने के लिए क्या करती हो? मच्छरदान लगाती हूँ और फुलस किन के कपड़े पहनना चाहिए और ऑल आउट कछुआ छाप अगरबत्ती और मतलब ये सब लगाना चाहिए। हाँ वो लगाना चाहिए। और मतलब फिर ऐसे गमलों में पानी इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए, ना कूलर में इकट्ठा देना होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, कुछ बुखार उखार आ जाए तो डॉक्टर के पास तुरंत ही जाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। प्रेरणा साथी नरगिस, हमने इस बच्चे को माई सेल्फ सिखाया है जो आपके सामने सुनाएंगे, बताइए। मेरा नाम अरीफा है, मेरा नाम अरीफा है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे पिता का नाम नाजिता है, मेरी माँ का नाम रुखसाना है, हम दो बहनें हैं, एक भाई है। मुझे मेरे पप्पो ने पढ़ाया है, स्कूल नहीं पूरा है इसलिए। थैंक यू।